है चलो देखना, कोई बात नहीं, जितना हो सके हिमसबरी भी आ चुका है। बाकी मेरा ये है कि चिराग और दिवाली का पेपर खत्म नहीं हुए ना अभी, तो हो सकता है बच्चे कभी रिक्वायर कर ले, ये हो सकता है हमको जरूरत पड़ जाए इन सब चीजों की, तो रख लेते हैं। तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रहे इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी का कुछ प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टी पोजेस करता है इंटरनल एनर्जी, क्या कौन कौन से प्रॉपर्टी लेता है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सेकंड, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ध्यान रहे इट इज अ स्टेट फंक्शन। एंड थर्ड क्या है कि किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेजर करना पॉसिबल नहीं है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखो, आपके लिए बहुत है एक्सटेंसिव, आपको दे सकते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एक्सटर्नल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। तो आप ये जान लो कि इंटरनल एनर्जी जो है यू कैपिटल यू, this is an extensive property and this is a state function. State function का मतलब क्या होता है? Internal energy initial और final के ऊपर depend करता है, state के ऊपर, intermediate state के ऊपर dependency नहीं रखता है, कल आपको मैंने ये बताया था, ठीक है? अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा expression पे चलते हैं। U को हम कैसे लिखते हैं? U ध्यान रहे internal energy एक तो six energy का summation होता है, बट उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज 3/2 RT फॉर मोनो एटॉमिक गैस। बेसिकली पढ़ रहे हैं तो मोनो एटॉमिक गैस के बारे में आपको बता रही हूँ। एंड यू इज इक्वल टू 5/2 RT फॉर डाई एटॉमिक एंड यू इज इक्वल टू 7/2 RT फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यू इज इक्वल 3/RT फॉर मोनो एटॉमिक गैस, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, जो कि इनर्ट गैसेस वगैरह होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। हीलियम को जब हम लिखते हैं तो HE2 तभी नहीं लिखते हैं, हम HE लिखते हैं, आर्गन को आर्गन लिखते हैं, ये सारे मोनो एटॉमिक गैस है, इनर्ट गैसेस। तो यहाँ पे लिख दो, एग्जाम्पल ले लो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे मोनो एटॉमिक में चले जाएंगे। डाई एटॉमिक गैस में कौन कौन आ जाएगा? यू इज इक्वल टू 5/2 RT, ध्यान रहे दिस इज फॉर डाई एटॉमिक, क्या क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, O2 गैस आ जाएगा, मोनोऑक्साइड गैस आ जाएगा, इजंट इट, सारे डाई एटॉमिक है कि नहीं, चेक कर लो आप। दो आइटम से बना है, ऑल आर डाई एटॉमिक। तो इनके लिए जब हम इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो 5/2 RT लिखते हैं, ठीक है, ओके। एंड ये आप थोड़ा ये एड्रेस भी चाहिए, यू इज इक्वल टू 7/2 RT फॉर ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में क्या क्या आ जाएगा बेटा? ट्राई एटॉमिक में आप क्या क्या ले सकते हो? काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ओजोन मॉलिक्यूल ले लो और NO2 गैस ले लो, ठीक है, गैस है। और मुझे बताओ जो कि H2S गैस है, ये सारे CO2 गैस है, ये सारे जो आपको बताए सारे ट्राई एटॉमिक के अंदर आएंगे। इसके लिए जब हम एक्सप्रेशन डालेंगे तो 7/2 RT डालेंगे। अच्छा व्हाट इज आर गैस कांस्टेंट? बिकॉज गैस का अगर मैं ले रही हूँ सारी गैसेस हैं तो गैस कांस्टेंट है। टी इज द टेम्परेचर, और यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि U इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को केल्विन में ले लेना, ऑलवेज केल्विन, ऑलवेज केल्विन, ऑलवेज केल्विन। एक्चुअली क्या होता है, मैंने यहाँ पे मोनो बताया है, मैंने यहाँ पे डाई बताया, यहाँ पे ट्राई बता दिया है, ट्राई के बदले पॉली के लिए भी हम ये वाला यूज कर लेते हैं। पॉली अगर है तब भी हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये दोनों फिक्स्ड हैं। ट्राई ऑनवर्ड्स हम लास्ट फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर अगर प्रॉपर जाओगे तो फिर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहता है, किसी का 3 रहता है, किसी का 5 रहता है, तो ये आगे का टॉपिक है, अभी आपका बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई में तो चांस भी नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं है सीबीएसई में, फिर भी आपको ये भी नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ।
ये सारे एंट्रेंस का टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, फिर इसको रब करेंगे हम कहां पे चलेंगे प्रॉपरली, दिस इज डन, ये हो चुका है, सीधे हम चलेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज पे चलेंगे। हमने क्या पढ़ा, इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू और यू कैन कैपिटल ई, ये क्या होता है, सिक्स एनर्जी का समेशन होता है। कोई भी बॉडी अगर एग्जिस्ट करता है इंटरनल एनर्जी 100% रहेगा, ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो एग्जिस्टेंस के बाद भी इंटरनल एनर्जी नहीं लेता है। जैसे होता है ना, कोई भी बॉडी अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ एंट्रोपी रहता है, उसमें कुछ रैंडमनेस रहता है, सिमिलरली ठीक है। तो यू इज सम ऑफ सिक्स एनर्जीज, मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, बॉन्ड एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अट्रैक्शन के सम है, और उसकी प्रॉपर्टीज में है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। एक्सप्रेशन में इंटरनल एनर्जी के लिए तीनों का एक्सप्रेशन मैंने बता दिया है, फॉर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक, 3/2 RT, 5/2 RT, 7/2 RT, और यहां से पता चल रहा है कि U इज प्रोपोर्शनल टू T। डन है, आगे बढ़ते हैं। ये आगे चले बर्फ करो फिर ये। यस मैम, डन। एनर्जी चेंज मेरा हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा यू लिखते हैं। ये क्या होता है, दो फैक्टर के ऊपर। मान लो किसी एक बॉडी का इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, एक बॉडी है उसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी है यू वन, ठीक है। अब ये सिस्टम, ये एक सिस्टम है, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी यू वन दिखाया गया है। अब उसके ऊपर कुछ काम हो गया, मतलब आप मान लो सिस्टम ने कुछ किया, फिर सिस्टम, मैंने सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया और सिस्टम में हो सकता है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करा या रिलीज कर दिया, कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस चल गया, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन, कोई भी इसके अंदर कुछ रिएक्शन चल रहा है, उसके बाद जब मैंने चेक करा तो इसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, चेंज कितना हुआ, U2 - E1। ये जो U2 - E1 है, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 - E1 है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। पहला फैक्टर ये है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड सेकंड वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम, आपको मैंने बताया था ना, वर्क डन बाय द सिस्टम भी होता है, ऑन द सिस्टम भी होता है। तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, क्या है, क्यू एंड डब्ल्यू। तो हम इसे क्या लिखते हैं, जो चेंज हुआ है ना, जैसे सिस्टम था रिएक्शन के बाद वो दूसरा प्रोसेस में जा चुका है, दूसरा एक स्टेट पे पहुंच चुका है, पहला स्टेट था ये, दूसरा स्टेट, स्टेट वन है ये, ये स्टेट वन है और ये स्टेट टू में पहुंच चुका है। यहाँ पे पहले का एनर्जी वन था, फिर टू था, डिफरेंस कितना बना, डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ध्यान रहे, दिस इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्लियर है। एंड आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, आपको मैंने कल बताया था एक्सप्रेशन याद करो कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, देख लो कल आपको पढ़ाया गया था, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, इजंट इट, यस मैम, पर आपने लिखा, ठीक है। सो डब्ल्यू के बदले मैं माइनस पी डेल्टा वी लिख सकती हूँ, एंड दिस इज माई डेल्टा।
This is my delta U. इसका मतलब है internal energy is the sum of heat and work done. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अगर हीट क्या हो सकता है, क्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. क्योंकि हीट अगर एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव है और अगर रिलीज है तो नेगेटिव है. आपको चेक करना पड़ेगा, वर्ड्स देख के न्यूमेरिकल का चेक करना पड़ेगा कि क्यू क्या बताया गया है. द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अगर बोला जाएगा तो क्यू को आपको पॉजिटिव लेना है. द एनर्जी और द हीट रिलीज बाय द सिस्टम अगर बोला जाएगा तो क्यू को आपको नेगेटिव लेना है. तो ये साइन बन गया. W वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. आपको मैंने बताया था बाय का मतलब, बाय द सिस्टम का मतलब नेगेटिव वर्क डन एंड ऑन द सिस्टम का मतलब पॉजिटिव वर्क डन. देख लेना क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, बाय द सिस्टम लिखा है या ऑन द सिस्टम लिखा है. W का अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो. आपको पूछा जाएगा एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो 402 जूल पर मोल एनर्जी, जो आपका हीट है ये एब्जॉर्ब कर रहा है. एक सिस्टम है जो 402 जूल पर मोल, हम इसे किलो जूल, कोई दिक्कत नहीं, किलो जूल पर मोल जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 300 किलो जूल. इसको मैं सीधा जूल में बताती हूँ. एक सिस्टम है, ध्यान से सुनना, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 402 किलो जूल. एंड उस सिस्टम ने कितना काम करा है, द वर्क डन बाय द सिस्टम मुझे मिल रहा है 300 किलो जूल. वर्क डन बाय द सिस्टम 300 किलो जूल. वर्क डन बाय द सिस्टम 300 किलो जूल. हीट एब्जॉर्ब्ड 402 किलो जूल. वर्क डन बाय द सिस्टम 300 किलो जूल. पूछा जाएगा व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज. क्या लिखोगे, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज, क्वेश्चन आ जाएगा. हीट एब्जॉर्ब 402 किलो जूल एंड वर्क डन हो गया बाय द सिस्टम 300 किलो जूल. आपको पूछा गया डेल्टा यू कितना होगा, बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ. क्या लिखो, सबसे पहले आपको बता दिया क्यू प्लस डब्ल्यू. U plus W is the expression for delta U. उसके बाद हम चलेंगे isothermal वगैरह भी चलेंगे properly. Delta is Q plus W. अच्छा. Heat is absorbed. Positive होगा या negative होगा? Absorption के लिए heat क्या होता है? Heat is absorbed by the system. क्या हो जाएगा ये जो 402 किलो जूल है, positive है या negative में लिखना पड़ेगा मुझे? Yes, हेम बताओ. हाँ हेम सबरी प्रेजेंट नहीं है. सिस्टम ने खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करा है. आपको पता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है दैट इज एंडोथर्मिक, पॉजिटिव हो जाएगा. एब्जॉर्ब एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव एंड रिलीज एनर्जी नेगेटिव. आयुष प्रेजेंट नहीं है क्या? हाँ तो आंसर दो आयुष. अभी तक हमने क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में, आपने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज एंडोथर्मिक, दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी. जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम एनर्जी रिलीज करती है दैट इज एक्सोथर्मिक नेगेटिव एनर्जी. यहाँ पे क्या बताया गया है, हीट एब्जॉर्ब बताया गया है. एब्जॉर्ब का मतलब मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 402 किलो जूल लेनी है प्रॉपर. ठीक है. अच्छा दूसरा वर्क डन के बारे में क्या बोला गया है, वर्क डन बाय द सिस्टम मैं बताऊं इसको पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं. 300 किलो जूल को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव. नेगेटिव बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. बाय द सिस्टम इज नेगेटिव तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 300 किलो जूल. कितना आ गया मेरा, ये आ गया 102 किलो जूल. मेरा नेट एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा 402 किलो जूल. ठीक है. आपको एक ही इस तरीके का न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी. आपको वर्ड्स को समझ के डिसाइड करनी पड़ेगी ये पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है. डन है, क्लियर है ये. तो आपने आज क्या पढ़ा भाई, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इज इक्वल टू इट इज द सम ऑफ हीट एंड वर्क डन.
दैट्स ऑल. अभी इतना ना क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी. अब चलते हैं जो क्यू प्लस डब्ल्यू है ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए क्या होता है फटाफट में से रखकर. अच्छा मुझे और एक बात बताना बच्चे, मैं ये सोच रही हूँ ना कि कल मॉर्निंग भी थोड़ा आपको पढ़ा दूँ. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर मॉर्निंग क्लास? बता दो मुझे, क्योंकि मॉर्निंग ले लेंगे तो शाम को आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, फिर मैं आपको शाम को नहीं पढ़ाऊंगी कल. यस मैम. हो सकता है आप सारे बच्चे, तीन तो हो अभी, बाकी बच्चों का तो एग्जाम कुछ कुछ बच्चों का खत्म हो चुका है, दीपावली तो भी आ नहीं रही है. ठीक है तो अर्पित यू कैन कम इन द मॉर्निंग. Yes, ma'am. You can come. Ayush, you can come in the morning. Well, and him, you can also come in the morning. Him तो आज present भी नहीं है बिल्कुल भी. देखना अर्पित, him present. आपके पास ना NCERT है क्या बच्चा? NCERT है? Yes, ma'am है. क्या ले क्या ले क्या फटाफट ले क्या. अभी भी साथ साथ करते हैं ना. मेरे पास भी देखना पड़ेगा. अब लेके तो आप, मैं तब तक स्टाइल करा देती हूँ, स्टार्ट करा देती हूँ. नेक्स्ट है मेरा, हमने अभी क्या देखा, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है अब इसको मैं क्या करूंगी, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आपको पता है और सबके लिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे. हमारे पास कितने सिस्टम होते हैं, आइसोथर्मल होता है, आइसोकोरिक होता है, आइसोबेरिक होता है, आइडियाबैटिक होता है, आइसोलेटेड होता है. ये पांच सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि डेल्टा यू का एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है. ठीक है आइसोथर्मल, ठीक है उसके बाद चलेंगे आइसोकोरिक, उसके बाद चलेंगे आइसोबेरिक, उसके बाद चलेंगे हम एडियाबैटिक. और उसके बाद चलेंगे आइसोलेटेड. ध्यान रहे आपको जब पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक में ये इतने ही सिस्टम है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक, आइसोलेटेड. अब इन सबके लिए चेक करते हैं कि डेल्टा यू कैसे वेरी. सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट, आप एक काम करो मैं ये पढ़ा देती हूँ उसके बाद एनसीईआरटी में बता दूंगी क्वेश्चन कैसे आ रहा है कैसे क्या करना है. ठीक है आइसोथर्मल सिस्टम में क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड. फिर सभी आइसोथर्मल में आपको पता है आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. सो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा. ठीक है तो ध्यान रहे कि डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू आपको अभी बताया. देखो डेल्टा यू अभी आपको इससे पहले मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया था बेटे, U is equal to 3 by 2 RT. देख लो आपको मैंने बताया था मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्रायएटॉमिक के लिए U is equal to 3 by 2 RT, 5 by 2 RT, 7 by 2 RT. पढ़ाया है कि नहीं देख लो अभी. Yes, ma'am. तो अगर U is equal, मान लो मैं मोनोएटॉमिक के लिए लेती हूँ, सबके लिए वही बनेगा. मोनोएटॉमिक के लिए आपको आपने क्या लिखा, 3 by 2 RT. U is equal to 3 by 2 RT. मुझे डेल्टा U चाहिए. अब हम क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू 3 बाय 2 आर डेल्टा टी, है ना. हम प्रूफ कर रहे हैं ना कि डेल्टा यू जीरो क्यों होता है. आइसोथर्मल के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबेरिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए, और कोई बच्चा तो इसको समझ जाता है ना फिर बाकी तो अपने आप उसको पूरा आइडिया हो जाता है. आइसोथर्मल का मतलब टी कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है. क्लियर ना? ओके अच्छा सो यू इज इक्वल टू 3 बाय 2 आर टी आपको पढ़ाया था. मोनोटॉमिक के लिए 3 बाई 2 आरटी होता, डाई के लिए 5 बाई 2 आरटी और ट्राई के लिए 7 बाई 2 आरटी. मैं एक पकड़ लेती हूँ, U is equal to 3 बाई 2 आरटी फॉर मोनोटॉमिक. इफ U is equal to 3 बाई 2 आरटी देन डेल्टा U is equal to 3 बाई 2 आर डेल्टा टी, isn't it? आर तो कॉन्स्टेंट है ना, तो आर तो 3 बाई 2 भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया. डेल्टा टी वेरिएबल है, डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है, जीरो है आइसोथर्मल के लिए, तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, isn't it? पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा. अब डेल्टा यू होता क्या है कि यू प्लस डब्ल्यू होता है. डेल्टा टू अगर जीरो है तो दिस इज आल्सो जीरो,
और अगर ये जीरो है सो दैट इंप्लाइज q इज इक्वल टू माइनस w. चेक कर लो एक बार, q इज इक्वल टू माइनस w मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम, जो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. q इज इक्वल टू माइनस w एंड दिस इज इक्वल टू w. क्या होता है बेटे, w क्या होता है प्लीज डेफिनेशन देनी. माइनस पी डेल्टा वी लिखूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू पी डेल्टा, इजंट इट. आइसोथर्मल का ध्यान रहे, दो चीजों का ध्यान रखना है आपको, एक तो डेल्टा टी जीरो होता है, दूसरा डेल्टा यू भी जीरो होता है, ठीक है. और यहाँ पे डेल्टा यू जब जीरो होता है तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी जीरो होता है, और क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी हो जाता है. ये सारी चीजें एक दिन में याद नहीं रखेंगे, आप बस अभी इसे लिख दो और इसमें से जो भी न्यूमेरिकल चाहिए फिर आपको बताओ कौन कौन सा मोस्टली याद रखने हैं. एक तो ये याद रखना है और दूसरा डेल्टा यू जीरो और q इज इक्वल टू डेल्टा वी. ये दिस इज फॉर आइसोथर्मल सिस्टम. ऑल क्लियर, चलते हैं आइसोकोरिक. आइसोकोरिक सिस्टम में होता क्या है पहले बताओ मुझे. वॉल्यूम कांस्टेंट. हां क्या होता है आइसोकोरिक में, क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट. सो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इजंट इट. V is equal to constant अगर है तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा. अब यहाँ पे डालो, आप एक्सप्रेशन में डालो क्या हो जाएगा, डेल्टा U. मुझे सबके लिए डेल्टा U निकालना है ना, तभी तो मैंने लिखा डेल्टा U मुझे निकालना है. डेल्टा U is equal to Q plus W ले लेते हैं. Q के बदले मैं QV लिख सकती हूँ बिकॉज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ना, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो मैं इसको QV लिख सकती हूँ. वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिख सकती हूँ. क्यू के बदले क्यू भी लिख देंगे और प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बदले हम क्या लिखेंगे इसको बाद में लिखते हैं, क्यू वी. डब्ल्यू के बदले हम क्या लिखेंगे, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा क्यू माइनस पी डेल्टा. डेल्टा की तो जीरो, ये तो मुझे मिल चुका है डेल्टा वी जीरो, तो ये पूरा जीरो नहीं हो जाएगा पी डेल्टा वी. तो क्या बचा मेरे पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू सिंपली हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज. सिंपली आइसोकोरिक के लिए हम लेते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी ले लेते हैं. ध्यान रहे एंड यू नो क्यू वी इज इक्वल टू, अभी आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हीट में, हीट कैपेसिटी में मैंने क्या पढ़ाया था, क्यू वी इज इक्वल टू पढ़ो आप सी वी डेल्टा टी पढ़ा था, याद करो. ये है मेरा आइसोकोरिक के लिए, ठीक है. डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी माइनस पी डेल्टा वी, बिकॉज आइसोकोरिक है डेल्टा वी जीरो हो गया तो पूरा वर्क डन जीरो हो गया. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो होता है, होगा ना, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा वी जीरो है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पूरा जीरो हो जाएगा. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, सिंपली क्यू, क्यू वी लिख सकते हो आप इसको बिकॉज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है. QV is equal to CV delta T. आपको कल लिखवाया था, आप नोट चेक कर लो. QV is equal to CV delta T. चलते हैं आइसोबेरिक पर, चलते हैं क्या कैसे एक्सप्रेशन बनेगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं. तो मैं इसको ना इस तरफ ले लेती हूँ, प्लस W क्योंकि जगह भी ले रहा है, ये डेल्टा भी तो ये आ जाएगा, क्या है ना हमारा ये इसके बीच आ जाना चाहिए, ठीक है. अब चलते हैं आइसोबेरिक. आइसोबेरिक के लिए क्या होता है मुझे बताना एक बार. आइसोबेरिक का प्रेशर, तो डेल्टा पी जीरो, ठीक है. तो अगर डेल्टा पी जीरो है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू का एक्सप्रेशन माइनस पी डेल्टा वी. इसके डेल्टा पी जीरो के लिए और कुछ एक्सप्रेशन बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी टर्म है ही नहीं, ठीक है. तो सिंपली ध्यान रहे आइसोबेरिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम. ये भी कल मैंने आपको बताया था, आइसोबेरिक को हम ओपन कहते हैं, आइसोकोरिक को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं.
very important is this. Isochoric is the closed system. And isobaric is the what system? Open system. This is the open system. सबको आपको मैं बता रही हूँ, इसलिए आइसोबेरिक डेल्टा पी जीरो, डेल्टा पी जीरो का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि डेल्टा पी टर्म ही नहीं है, सिंपली लिख दे रहे हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, कोई उसमें चेंज नहीं होगा, बिल्कुल जो एक्सप्रेशन आपको पता है वही लिख देना। देन है, चलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है? क्यू जीरो, क्यू जीरो, यस,